तो दोस्तों आप सबका स्वागत है। आज हम रिव्यू करेंगे फिल्म रन राजा रन, कन्फ्यूजन पोखरी राजा द ग्रेट। अब तो आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। तो ये जो फिल्म है ये 2017 की कनाडा रोमांटिक एक्शन ड्रामा फिल्म है, डायरेक्टेड बाय के शंकर। तो यहाँ पर इस फिल्म के कहानी के बारे में हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो फिल्म है ना, यहाँ पर शुरुआत के 30-40 मिनट आपको समझ ही नहीं आएगा कि भाई आखिर फिल्म में हो क्या रहा है, किस वजह से हो रहा है, आखिर ये फिल्म हमको दिखाना क्या बताना चाहती है। फिर अचानक से हमको याद आता है कि भाई जो इसका लीड कैरेक्टर है यानी कि जो पोखरी राजा का कैरेक्टर है उसकी याददाश्त चली गई है, उसी वजह से वो भूल गया है। और उसकी ये जो हालत हुई है आखिर वो किस वजह से हुई थी और आखिर इसके पीछे की क्या वजह है, पास्ट में उसके साथ क्या हुआ था, वही हमको आगे फिल्म में देखने को मिलता है। तो क्या इसकी ज़िंदगी में ये जो इतना बड़ा भूचाल आया है क्या वो कभी ख़त्म हो पाएगा, और क्या उसकी ज़िंदगी वापस से सही ट्रैक पर आ पाएगी जैसे पहले थी, और आखिर उसकी जो याददाश्त चली गई है क्या वो वापस आती भी है या फिर नहीं, या फिर वो ऐसे ही अपनी ज़िंदगी गुजारने वाला है। तो यही हमको इस फिल्म में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इस फिल्म के बारे में मैं सिर्फ एक ही बात बताना चाहूँगा कि ये फिल्म इतनी भी ज़्यादा कुछ खास, इतनी भी ज़्यादा कुछ बढ़िया फिल्म है नहीं है। मैं यहाँ पर बजट की बात नहीं करूँगा, फिल्म को देखकर लगता है कि फिल्म का बजट काफ़ी कम है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ ज़्यादा फर्क पड़ता है। क्योंकि अगर फिल्म की कहानी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया दमदार हो और फिल्म को हमारे सामने बहुत बढ़िया बहुत अच्छे तरीके से अगर प्रेजेंट किया गया हो तो मुझे नहीं लगता कि बजट का कोई इश्यू होता है। और आपने ऐसी बहुत सारी फिल्में देखी हुई होंगी ऑलरेडी जिनका बजट बहुत ही कम होता है और फिल्म में आपको उतना कुछ तामझाम देखने को मिलता भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो फिल्में काफ़ी ज़्यादा दमदार, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होती है। तो यहाँ पर बजट का इशू तो नहीं है। तो यहाँ पर इस फिल्म का स्क्रीन प्ले वैसे भी इतना कुछ खास ज़्यादा बढ़िया है नहीं, बहुत जगह आपको कन्फ्यूजन होगा, कहीं कहीं पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि समझ में आती ही नहीं कि भाई किस वजह से हो रही है, क्यों हो रही है, आखिर इन सब के पीछे की वजह क्या है, क्या कारण है। तो फिल्म के डायरेक्टर इन सारी चीज़ों को ढंग से हमारे सामने प्रेजेंट कर ही नहीं पाए हैं, तो उसी वजह से फिल्म को देखते समय जो मज़ा आना चाहिए था, वो जो इंटरेस्ट आना चाहिए था, वो आ नहीं पाता है। हालांकि बहुत अब जब दिमाग हटाओगे कि भाई आखिर ये फिल्म में हो क्या रहा है, अब जब खुद से समझने की कोशिश करोगे तब जाकर आपको कुछ समझ में आएगा, वरना फिल्म की स्टोरी लाइन जिस तरीके से दिखाई गई है, फिल्म का स्क्रीन प्ले जिस तरीके से है, आपको डायरेक्टली तो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। इसके अलावा अगर इस फिल्म में कुछ खास है, बढ़िया है, मतलब एक तरीके से आपको देखने को मिलेगा, कुछ आपके लिए राहत की बात होगी, तो वो है इस फिल्म में कॉमेडी। तो फिल्म में कॉमेडी के कुछ फनी सीन्स आपको देखने को मिलते हैं जो कि अगेन इतने ज्यादा कुछ खास नहीं है, फीके फीके से हैं, लेकिन अगर आप इस फिल्म को देखने वाले हो तो कम से कम ये कॉमेडी के सीन्स, ये फनी कॉमेडी के सीन्स आपको राहत देंगे अगर आप इस फिल्म को देखते समय कहीं पर बोर आपको फील हो रहा होगा तो। इसके अलावा जब आप इस फिल्म को देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि भाई मैं कोई बहुत ही पुरानी क्लासिक साउथ इंडियन हिंदी डब फिल्म देख रहा हूँ, क्योंकि इस फिल्म की जिस तरीके की स्टोरी है, जो भी हमको देखने को मिलता है, वो उसको देखकर कुछ वैसे ही आपको फीलिंग आएगी। और फिल्म के डायरेक्टर ने बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान दिया ही नहीं है। फिल्म में बहुत सारी कमियां अगर आप चाहो तो निकाल सकते हो, जिन पर अगर फिल्म के डायरेक्टर ने ध्यान दिया होता तो शायद ये फिल्म बढ़िया, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकती थी। फिल्म को अगर अलग ही ढंग से, कुछ अलग ही तरीके से हमारे सामने प्रेजेंट किया गया होता तो शायद ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा बढ़िया, अच्छी हो सकती थी, जो कि ये फिल्म किसी भी एंगल से हो ही नहीं पाती है। तो उसी वजह से फिल्म को देखने में ना ही कहीं आपका इंटरेस्ट आएगा, ना ही कहीं पर आपको मज़ा आएगा। और फिल्म में जो रोमांस वाला पार्ट भी है वो थोड़ा सा कहीं अच्छा तो है, लेकिन इतना भी ज़्यादा अच्छा नहीं कि आप उसको एंजॉय करो। तो कुल मिलाकर अगर हम इस फिल्म की बात करें तो इस फिल्म में कमियां ही कमियां भरी पड़ी हुई हैं, और इसी वजह से ये जो फिल्म है वो बहुत ही ज़्यादा फीकी पड़ जाती है। और इस फिल्म को देखने में वो जो मज़ा आना चाहिए था, जैसा कि मैंने बताया, वो तो आता भी नहीं है। एक तरीके से इस फिल्म को देखना या फिर ना देखना दोनों बराबर ही है। तो दोस्तों जहाँ तक बात रही कि आपको ये फिल्म देखनी भी चाहिए या नहीं, तो जी नहीं, ये देखने लायक उतनी कुछ खास फिल्म है नहीं, और मैं आपको खुद भी यही कहूँगा कि आप इस फिल्म से दूर ही रहना, और हो सके तो इस फिल्म को आपको देखने की ज़रूरत नहीं है और आप इस फिल्म को आसानी से स्किप कर सकते हो। और हाँ, एक और बात कि ये जो फिल्म है ये ऑलरेडी पहले से ही यूट्यूब पर अवेलेबल थी, पोखरी राजा द ग्रेट इस नाम से। तो अगर आपने पोखरी राजा द ग्रेट फिल्म ऑलरेडी देखी हुई है तो मुझे नहीं लगता आपको इस फिल्म को देखने की कोई ज़रूरत है, क्योंकि ये वही फिल्म है। तो वैसे ही मैंने आपको इस फिल्म की कई सारी बातें तो बता दी, कमियाँ बता दी, तो वैसे ही ये फिल्म इतनी ज़्यादा कुछ खास देखने लायक फिल्म तो है नहीं। और हाँ, अगर आप एक ऐसे इंसान हो जिसके पास बर्बाद करने के लिए ढेर सारा समय है तो हाँ, आप इस फिल्म को एक बार देख सकते हो। तो दोस्तों जहाँ तक बात है इस फिल्म को रेटिंग देने की, तो मैं इस फिल्म को रेटिंग दूंगा 3.5 आउट ऑफ 10 स्टार। बाकी अगर आपने इस फिल्म को देखा है तो क्या सोचते हैं आप इस फिल्म के बारे में, मुझे आप कमेंट में जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कोई सवाल है सुझाव तो कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलेगा। तो बस दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में फिर किसी ऐसी मूवी के रिव्यू के साथ में। जोहार।